hello everyone welcome back to the channel last minute revision with rsm and here i am back with another video so this is the part five of tybcom semester six financial accounting mcqs so we have already covered टोटल फोर पार्ट्स बिफोर दिस तो इफ यू हैव नॉट सीन दैट लेक्चर्स जस्ट सी दैट काफी सारे कंसेप्ट आपके उसमें से क्लियर होने वाले हैं तो अगर आपने वो सारे नहीं देखे तो मैंने एक प्ले लिस्ट बना के रखी है एम सी क्यूज ऑफ टी वाई बी कॉम वहाँ पर जाकर आप बाकी के सब्जेक्ट्स के भी एम सी क्यूज को चेक कर सकते हैं और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले बिकॉज आपको ऐसे ही वीडियोज आगे बहुत सारे दिनों तक मिलने वाले हैं तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट फिफ्थ ऑफ दी फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो अभी मैंने इसमें कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन डाले हैं जो आपको सॉल्व करना है Calculate the amount which is which will be transferred to foreign exchange fluctuation account MNC exported 75,000 worth goods at the rate 70 per dollar they received payment of uh, 25,000 dollar at the rate 69 per dollar so this option options hai. FEF account will be credited with rupees 25,000 FEF account will be debited with rupees 25,000 MNC account will be credited with 25,000 and MNC account will be debited with 25,000. आप बोलेंगे सर इतना बड़ा सम आएगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे देखो लॉजिकली सॉल्व करना है है आपको तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन में पूछा कि कैलकुलेट द अमाउंट विच ट्रांसफर टू फॉरन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट तो FF में कितना ट्रांसफर होगा तो सबसे पहले एक्सपोर्ट के लिए आपको याद रखना है एक्सपोर्ट में बेस क्या है एक्सपोर्ट में अगर रेट आपका बढ़ेगा एक्सपोर्ट में रेट आपका बढ़ेगा तो आपको प्रॉफिट होगा ये या आपको याद रखना है और जब भी प्रॉफिट होता है आपको याद रखना है कि अकाउंट 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 हमेशा क्रेडिट क्रेडिट होता है। होगा so, होगा। होगा, और डेबिट अगर एक्सपोर्ट में रेट आपका कम होगा, तो आपको हो जाएगा लॉस और जब कभी भी लॉस होगा तो आपको याद रखना है एफ एफ अकाउंट डेबिट होता है अभी ध्यान से देखते हैं। देखो बेस रेट बेस रेट इस क्वेश्चन में कितना है सेवेंटी फाइव थाउजेंड डॉलर के गुड्स को एक्सपोर्ट किया था कौन से रेट में एक्सपोर्ट किया सेवेंटी के रेट में तो बेस रेट क्या है मैं आपको यहाँ पे लिखा के देता हूं बेस रेट इज सेवेंटी एंड uh, योर पेमेंट का रेट क्या है पेमेंट का रेट है सिक्सटी नाइन तो क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे डिक्रीज हुआ है तो डिक्रीज हुआ इसका मतलब लॉस हुआ लॉस हुआ तो एफ एफ क्या होगा डेबिट होगा तो अभी ध्यान से देखते हैं देखो एम का ऑप्शन तो कट हो जाएगा ये एम भी कट हो गया एफ क्रेडिट होगा कि डेबिट होगा वो ध्यान से देखना है तो एफ एफ क्या होगा अभी लॉस हुआ ना रेट कम हुआ तो लॉस होता है लॉस में एफ क्या होता है डेबिट होता है तो आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का बनेगा एफ ई एफ अकाउंट विल बी डेबिटेड विद रुपीज ट्वेंटी फाइव थाउजेंड देखो दोनों का डिफरेंस एक रुपया है और आपका ट्वेंटी फाइव थाउजेंड डॉलर का पेमेंट है तो वन इंटू ट्वेंटी फाइव थाउजेंड करोगे तो आंसर ट्वेंटी फाइव थाउजेंड आएगा तो लॉजिकली थोड़ा सॉल्व करना है डर मत जाना बड़े बड़े क्वेश्चन देख के ठीक है तो राइट आंसर फॉर दिस इज एफ ई अकाउंट विल बी डेबिटेड विद रुपीज ट्वेंटी फाइव थाउजेंड वॉट विल बी द जर्नल एंट्री फॉर एब्जॉर्प्शन एक्सपेंसिस पेड इट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एस लिक्विडेशन एक्सपेंसेस बैंक टू रियलाइजेशन एक्सपेंसिस टू रियलाइजेशन रियलाइजेशन टू बैंक या नन ऑफ द अबाव तो राइट एंट्री फॉर दिस इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट अगर आप कोई भी एक्सपेंसेस को पे करोगे तो आपकी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट थर्ड पॉइंट में जाते हैं द ग्रॉस लाइबिलिटी इज रुपीज सिक्सटी थाउजेंड मार्क एप्लीकेशन आर फोर्टी फाइव थाउजेंड देन वैल्यू ऑफ अनमार्क एप्लीकेशन विल बी तो आपको काउंट करने बोला है फॉर्मूला पता होना चाहिए सिंपल फॉर्मूला है ग्रॉस लाइबिलिटी माइनस मार्क एप्लीकेशंस तो आपको मिलेगा फाइनल आंसर दैट विल बी कॉल्ड एस तो ग्रॉस लाइबिलिटी कितनी है ग्रॉस लाइबिलिटी है सिक्सटी थाउजेंड मार्क एप्लीकेशंस कितने मार्क एप्लीकेशन है फोर्टी फाइव थाउजेंड अगर आप माइनस करोगे तो विल गेट द आंसर एज फिफ्टीन थाउजेंड एंड दिस इज कॉल्ड एज योर अनमार्क एप्लीकेशन दो राइट आंसर इज फि थाउजेंड ओके तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन ऑल्सो भी एक्सपेक्टेड मैंने जो फोर पॉइंट डाले थे four series डाली थी उसमें यह सारे क्वेश्चन नहीं थे तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर पूछे गए तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं जिसके लिए आपका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड एस आर डी डी इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन डेबिट साइड ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स या क्रेडिट साइड ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट ठीक है तो हम क्रेडिट साइड में जो सनड्री लाइबिलिटीज लिखते हैं उसमें हम आर डी डी भी लिखेंगे ताकि वो माइनस हो जाएगा तो कहाँ लिखेंगे याद रखना क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट आप डेटर्स में से आर डी डी माइनस करते हो लेकिन हम क्या करेंगे डेटर्स को डेबिट साइड में लिखेंगे सारे सन्ड्री असेट्स में

अंदर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस तो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में ये ट्रांसफर किया जाता है अगले क्वेश्चन में जाएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप फॉर फॉर्मेशन ऑफ एल एल पी इनमें से एल एल पी लिमिटेड अलाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म करने का सबसे पहला स्टेप कौन सा है ड्राफ्टिंग एल एल पी एग्रीमेंट डिसाइडिंग द पार्टनर्स एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स ऑप्टेनिंग डीन डीन का फुल फॉर्म आप सभी को मैंने बता दिया है डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड डीएससी दैट इज डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट एंड चेकिंग द नेम अवेलेबिलिटी ऑफ फॉर एल एल पी तो ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एल एल पी का पहला स्टेप क्या होता है एल एल पी का पहला स्टेप ये होता है कि आप डिसाइड करोगे कि कौन से आपके पार्टनर्स होंगे और कौन से आपके डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होंगे वो डिसाइड होने के बाद ही आप ऑप्टेन करोगे डीन और डीएससी ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर सेवन If LLP has not followed the provisions for having two designated partners, so every LLP should have minimum two designated partners, और वो दो डेजिंग एवरी में भी एक जो है वो इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया का रेसिडेंट होना मतलब इंडिया में 182 एटी टू रहना कंपल्सरी होता है टैक्स so फैक्टर तो इंडिया का रेसिडेंट बनना चाहिए एक जो है वो इंडिविजुअल और उनको DIN नंबर और डीएससी Uh, जो है वो सर्टिफिकेट कंपलसरी हो जाएगा तो क्वेश्चन बोलता है कि इफ एल एल पी हेज नॉट फॉलोड द प्रोविजन फॉर हैविंग टू डेजिग्नेटेड पार्टनर्स तो उन उनपे कितनी की पेनल्टी लगेगी मिनिमम और मैक्सिमम की बात कर रहे हैं मिनिमम टेन थाउजेंड मैक्सिमम फाइव लैक्स मिनिमम फिफ्टीन मैक्सिमम फोर लैक्स मिनिमम ट्वेंटी मैक्सिमम थ्री लैक्स या नो पेनल्टी विल बी लेविड तो नो no पेनल्टी का तो सवाल ही नहीं है पेनल्टी तो लगेगी ही लेकिन कितनी लगेगी तो मिनिमम रुपीज टेन थाउजेंड एंड मैक्सिमम विल बी रुपीज

एल एल पी एग्रीमेंट इज कंसिडर एज चार्ट डॉक्यूमेंट ऑफ एल एल पी नेक्स्ट क्वेश्चन फॉरन नेशनल कैन बिकम पार्टनर इन एल एल पी एस पर तो फॉरन नेशनल जो है वो पार्टनर बन सकता है एल एल पी में कौनसे के कौन से रेगुलेशन के बेसकर फेरा रेगुलेशन फेमा रेगुलेशन पार्टनरशिप एक्ट कि कंपनीज एक्ट देखो पार्टनरशिप एक्ट और कंपनीज एक्ट तो आपस में कैंसल हो गए बिकॉज ये रिलेटेड ही नहीं है एक तो आंसर है फेरा एक तो आंसर है फेमा फेरा का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट ठीक है और फेमा का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ने एक्ट बना था 1999 में और इसने रिपी इसको रिप्लेस कर दिया फेरा जो था वो काफी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस रखता था तो वो काफ़ी ज्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस इसके थे और फेमा जो है वो रिप्लेस कर दिया फेमा ने तो फेमा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका तो इसका राइट right आंसर बनेगा फेमा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हु एमोंग द फॉलोइंग कैन बिकम पार्टनर इन एल एल पी इनमें से कौन एल एल पी का पार्टनर बन सकता है कंपनी एनकॉर्पोरेटेड इन एंड आउटसाइड इंडिया एल एल पी एन कॉर्पोरेटेड इन एंड आउटसाइड इंडिया इंडिविजुअल रेसिडेंट इन एंड आउटसाइड इंडिया एंड ऑल ऑफ द अबाव इसका राइट right आंसर बनेगा ऑल ऑफ द अबाव एवरी वन विल बी कंसिडर एज बिकमिंग द पार्टनर ऑफ एल एल पी क्वेश्चन देखते हैं। प्रेजेंटेड बाय द कंपनी फॉर वाइंडिंग अप बिफोर ट्रिब्यूनल शैल बी एडमिटेड ओनली इफ इट इज बाय तो जो अकंपने फाइल होगा तो जब कंपनी वाइंड अप हो जाएगी उस केस में तो उसके साथ कौन सा डॉक्यूमेंट जरूरी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जरूरी है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कॉपी ऑफ रजिस्ट्रार या कॉपी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आई थिंक आपने अभी तक आंसर पता चल गया होगा आपको इसका राइट right आंसर है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ध्यान रखना नेक्स्ट क्वेश्चन वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी इज नाउ गवर्न बाय वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी इज नाउ गवर्न बाय कौन से बेसिस पे गवर्न कर रहा है एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 या इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो 2017 से एप्लीकेबल हो गया है तो इसका राइट right आंसर है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड दैट इज वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी विल बी नाउ गवर्न बाय इन्सॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड इट विल नॉट बवन बाई इंडियन कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन फाइन चलो आगे बढ़ते हैं विच ऑफ द फोइइंग लिस्ट बिलोंग टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स तो आपने देखा होगा मैंने सारे के सारे पॉइंट्स में ये ये जो लिस्ट वाला कंसेप्ट है वो डाला है ताकि आपको बार बार रिवाइज हो सके अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कौन से लिस्ट में आता है तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स आएगा लिस्ट ई e में तो ये सारी लिस्ट है आपके पास एक बार आप इसको गो थ्रू कर लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ से क्वेश्चन पेपर में बन सकता है फोर्टीन का क्वेश्चन करेंसी अदर देन द रिपोर्टिंग करेंसी ऑफ एनी एंटरप्राइज इज नॉन रिपोर्टिंग करेंसी नॉन फॉरेन करेंसी फॉरेन करेंसी या इंडियन रुपीस. काफी सिंपल क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर है फॉरेन करेंसी ठीक है तो और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इन केस ऑफ वैल्यूएशन मेड ऑन ईयर एंड ऑफ एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन द प्रॉफिट और लॉस ऑन सच वैल्युएशन इज ट्रांसफर्ड टू वैल्यूएशन तो होता है इफ़ यू रिमेंबर मार्च को बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होते हैं तो वैल्यूएशन होता है और वैल्यूएशन हमेशा पेंडिंग इंस्टॉलमेंट का होता है तो जितना भी आपका पेंडिंग इंस्टॉलमेंट होगा उसके बेसिस पे वैल्यूएशन किया जाएगा और वो वैल्यूएशन में जो भी प्रॉफिट होगा आपका वो कहां ट्रांसफर होगा क्या वो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन या संडी क्रेडिटर्स तो रिमेंबर वॉट प्रॉफिट और वॉट लॉस अराइजेज वाइल डूइंग वैल्यूएशन इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू प्रॉफ दैट इज फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट तो फॉरन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा इफ यू रिमेंबर द एंट्री एंट्री होगा आपका पार्टीज अकाउंट डेबिट टू एफईएफ या फिर एंट्री बनेगा एफ अकाउंट डेबिट टू पार्टीज अकाउंट लॉस और प्रॉफिट का अलग अलग एंट्री होता है तो उसमें आपका जो भी वैल्यू है वो कहाँ ट्रांसफर होता है एफ के अकाउंट में ठीक है डेट सेट फ्रॉम दिस सेशन तो बहुत सारे एम सी क्यूज मैंने कवर अप करवा दिए हैं मैंने टोटल पाँच सेशन लिए थे तो पांचों के पांचों सेशन आप देख लो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसमें मैंने कवर करवाए हैं इसके साथ आप अपने बेसिक्स पे जितने भी बेसिक्स है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के वो पढ़ते रहे मैंने ट्राई किया है कि सारे के सारे बेसिक्स आपके इसमें से रिवाइज हो सके अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्टिंग ही डाल रहे हो बाकी का सब्जेक्ट भी डालो तो अभी पाँच लेक्चर हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हो गए हैं आपको अभी कॉस्टिंग के रेगुलर पाँच लेक्चर मिलेंगे पहले और अभी मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग को स्टॉप कर रहा हूँ और अभी हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग को स्टॉप करके हम एच को शुरू करेंगे तो एच के अभी आपको कुछ एम uh, सी मिलने वाले हैं तो उसके बेसिस पे बने रहे चैनल के साथ और इसका पी डी टेलीग्राम के ऊपर कंबाइंड पी शेयर कर रहा हूँ उसको रिवाइज बिल्कुल जो तो आपको पी मिलेगा उसको रिवाइज कर लेना एक बार और बाकी सारे पॉइंट जो आप अपने बेस पे पढ़ रहे हो उसको भी पढ़ते रहना ठीक है थैंक यू वेरी मच फॉम दिस सेशन इफ यू आर न्यू टू द चैनल सब्सक्राइब कर ले लाइक like कर ले और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कर ले टिल देन एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर